आपका नाम बताओ सर। बबलू कुशवाहा। बबलू कुशवाहा, हाँ, खिलाड़ी रहने वाले एमपी। एमपी। हाँ ठीक है, एज आपकी 41। हाँ ठीक है जी, आप मेरे पास आए थे तो आपकी फ़ोटो देखी थी मैंने, हाँ ये पूरा इधर फूला हुआ हाँ था, पूरा। पूरा चेहरे पर स्वेलिंग हाँ थी। हाँ ठीक है जी, मुंह खुलता नहीं था हाँ बिल्कुल, हाँ है ना। मेरे पास आने से पहले आपने ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ लिया था जी? ग्वालियर में। आप ग्वालियर में? हाँ तो स्टार्टिंग में आपका छोटा सा छाला हुआ होगा, है हाँ ना, छोटा मामूली सा छाला सा। था। हाँ ठीक है, फिर आपने उसको वो काट। बाइप्सी किया, उन्होंने हाँ हाँ टुकड़ा लिया हाँ वो कांकरा लगा दी थी उनने, चुप जी, गई। मतलब ज़्यादा कट कट कर दिया हाँ आपका, फिर टांका लगा दिया। हाँ ठीक है, उसके बाद आपको कैंसर बताया होगा। हाँ ठीक है, तो कीमो आपकी 5 कीमो लगा दी थी, है हाँ ना, 5 कीमो लग गई थी। तो मेरे ख्याल से हालत तो आपकी बिल्कुल ख़राब होगी। हाँ बिल्कुल खराब। ठीक, मुंह नहीं खुलना, आवाज़ नहीं आना, अभी तो बात कर रहे हो आप, हाँ बात कर रहे हैं। नहीं उस समय तो मुंह नहीं खुल रहा था, आवाज़ कहाँ से आती, कुछ भी नहीं खा पाते थे। हाँ ठीक है, खाना पीना भी आपका बंद हो गया होगा, चेहरा बिल्कुल काला पड़ा हुआ है ना, ये पूरा अभी भी काला दिख हाँ रहा। और जब उनसे ट्रीटमेंट लिया आपने तो आपको क्या लगा कि बच पाओगे आप? नहीं मुझे क्या लगा कि वो कहे कि काटना है। हाँ अच्छा, ऑपरेशन बोला था पूरा, हाँ वो साफ करना है। ये पूरा काट देंगे आपका। हाँ और 60% सही हो जाओगे, 40% नहीं हो पाओगे। 60% ठीक हो जाओगे, 40% नहीं ठीक होगे, हाँ ऑपरेशन पूरा काट देंगे। एक फोटो दिखाऊंगा, उसमें पूरा काट दिया था, इधर भी काट दिया था, इधर भी काट दिया था, मुंह उसका बिल्कुल गोल हो गया था, खुल गया था परमानेंटली। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ऑपरेशन होने के बाद उस शख्स का ऐसी हालत थी कि अब दोबारा फिर डॉक्टर कहते घर ले जाओ, तो ऑपरेशन करने के बाद भी ठीक नहीं होते। अब वो कहेगा ऑपरेशन होगा, कोई निश्चित नहीं है कि सही हो जाएगा। कितने पैसे आपसे ले लिए थे उन्होंने अभी तक के ट्रीटमेंट में? अभी तक 3 लाख के आसपास। 3 लाख के आसपास आपने दे दिए थे, और कंडीशन मुंह बंद हो चुका था जबकि गए थे, जब तो छोटा सा छाला था। ठीक है, कंडीशन ये आ गई कि अब तो लगा कि मुंह में स्मेल भी आती थी आपकी, है ना, आपने वीडियो देखा था ना? हाँ। और ठीक, कुछ नहीं, आपका बिल्कुल देखा था, वीडियो मुझे देखा, विश्वास हुआ कि वहां मैं सही हो जाऊंगा। सही हो जाऊंगा, मान मुझे गए लगा अपने आपको, आप में कि मैं सही हो जाऊंगा, मुझे वहां की बार जाना है। आपको लगा, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं था उधर। हाँ आप ऑपरेशन, आपने और पेशेंट भी देखे होंगे जिन्होंने ऑपरेशन हाँ कराया, मुझे करवाना नहीं था वो। नहीं करवाना था, उन्होंने देख लिया था और कंडीशन तो नहीं करवाना था, कीमो करके इनकी हालत बिगड़ चुकी थी, वो देख लिया था कि जीना तो अब लग रहा था कि अब तो खत्म ही हो जाएंगे, हाँ लगा होगा आपको कि बिल्कुल सही। जब मुंह खाना ही बंद हो गया, एंड पे आ चुके थे। मेरी दवाई आपने चालू करी 20 दिन पहले की बात, हाँ आज से 20 दिन पहले की बात जब हाँ आए, तो उसके बाद तो कितने दिन में आपको आराम लगने लगा था? मुझे क्या पांग में हल्का सा मुख खुलने लगा था गया। 5 दिन में आपका मुंह खुलने लगा था। हाँ और ठीक है, छाले जो थे वो कम होने लगे। छाले जो मुंह में थे आपके वो कम होने लगे। जब पहली बार मैंने आपको कोड़ा किया तब हाँ पूरा घंग हो गया खाली मुंह हाँ अब देखो, आप बताते हैं कि कई लोग कहते हैं कि कान से गए का हर गया, आराम करना पड़ा था मुझे। हाँ ऐसा लगा कि अब तो मतलब मौत ही आ गई, आप क्या कहूँ को दिक्कत नहीं अब होती। नहीं लगती है, क्योंकि जब ये इनके साथ जो बीते ना ये 20 दिन, मैं बता रहा हूँ 4-5 दिन के इनके पास ऐसा बीता कि इससे अच्छा तो मर जाऊं, मेरी दवाई लेने से अच्छा तो मर जाऊं, ऐसे लगा होगा। इतना दर्द हुआ होगा इनको जो बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, मुंह के अंदर छाले थे, जख्म था, और मैंने बोला था गरारे करने हैं, तो जब इन्होंने गरारे किए तो इनकी हालत ऐसी होगी कि बस कान से धुआं निकल गई, यही था ना कि भाई ऐसा था, अब मौत ही। और हाँ गौमूत्र लेकर था तो घन हो जाता था, ठीक है, गौमूत्र लेने से मतलब पूरा छंग। पूरा झनझनाट हो जाता हाँ था। ठीक है, अब नहीं हो कब। अब नहीं होता, आपको पता है इसका मतलब, समझ रहे हो कि पहले हमारे छोटे थे, हम बचपन की बात बता रहा हूँ, हम पेंसिल छीलते थे ना तो हमारी उंगली कट जाती थी, क्योंकि कटर नहीं मिलता था, ब्लेड ही होता था। ठीक है, तो लेकिन उंगली कटने के बाद हम डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, हम पेशाब कर लेते थे खुद का सोमूत्र। ठीक है, तो बहुत दर्द होता था, वही सिस्टम हुआ। मेरी दवाइयों, मैंने किसी को नहीं बताया मेरे पास पेन किलर है, मैंने तो कहा मेरी दवाइयों से पेन बढ़ेगा, बताया था मैंने आपको दर्द बढ़ेगा, हाँ जी सर बोला ये था, बात बोला था। मेरे को बोला था ठीक है, उन्होंने, आप ही आए थे, मैं ये नहीं आए थे शुरू में, इनकी तो हालत ही नहीं थी, आप आए थे, आया आप था इनके क्या लगते हो, जी जाए मेरे सारा आपके जी जान हल गया। आपके, ये आए थे दवाई लेने के लिए, आपको लगा था सर कि यहाँ पर दवाई ले जाने से ठीक हो जाएंगे? नहीं सर उस समय तो नहीं लग रहा था, लेकिन जब पेशेंट ने खुद बोला मैं ठीक हूँ तो मुझे लगा ठीक है। ठीक है, आप वीडियो देख के आने के बाद लोगों को लगा कि चलो कोई रास्ता नहीं, तो एक बार यहाँ पाएंगे, तो इनकी ये अपने साले को भेजे थे कि तुम दवाई ले आओ, इनकी तो कंडीशन थी ही नहीं कि आप ये उठ के भी आ पाए। नहीं आने लायक नहीं थी इतनी मैं गया मैं हॉस्पिटल में था, अच्छा आप हॉस्पिटल में थे ग्वालियर तो मेरे को भेजा, में, फिर ग्वालियर में मैंने भेजा था। और नहीं आपने वीडियो देखा था, हाँ वीडियो भी नहीं देखा था, भेजा मेरे को। वीडियो भी इन्होंने देखा था, इनको भेजा तुम उधर ही जाओ। ठीक है, हॉस्पिटल में रहते रहते इन्होंने दवाई चालू कर दी,
ठीक है। तो आज जब ये खुद आ रहे थे, इसका मतलब समझ रहे कि जो बिस्तर में था, चलने की हालत में थी, कहां से आ रहे हो सर? बस स्टैंड जो हमारा अटेली का बस स्टैंड है ना जी, वहां से आप लोग भी आओगे, कितनी दूर है? और ये एक पेशेंट चल के आना जो कि बिस्तर पे आज 20 दिन पहले हॉस्पिटल में हो, वो पेशेंट खुद चल के आ रहा है, ठीक है। ये तो आज पेशेंट खुद बैठे हैं, इनकी इतनी स्वेलिंग थी यहाँ पर, ये पूरी इनकी स्वेलिंग थी, ये कितना दिन में खत्म हुआ आपका स्वेलिंग? दस दिन के बाद, दस दिन के बाद ये स्वेलिंग खत्म होगी, चेहरे पर स्वेलिंग खत्म होगी, ये खाने लगे, बात करने लगे, 20 दिन के बाद ये खुद चल के आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले बताए आपने? खगड़पुर एमपी, खगड़ाओ के पास। कितना किलोमीटर पड़ता है? 700 किलोमीटर से ये आज ट्रेवल करके आ रहे हैं, यानी ट्रेन पे। रात को हम 8 बजे, कल रात को 8 बजे बैठे थे और आज देख लो अभी 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो कितना घंटे का सफर हो गया कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, कैंसर कहाँ ठीक होता है और आयुर्वेद से कैसे होगा। तो आज ये जो वीडियो है कम से कम और लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो है कि लोगों को लगे कि नहीं भूख नहीं, ये बहुत सच है। सच, बस विश्वास करिए, विश्वास करिए, ठीक। मुंह से स्मेल भी आता था आपके, बदबू थी जिनके मुंह में, बदबू कितने दिन खत्म हो गई? अभी 15 दिन के बाद खा ली मैंने। 15 दिन में तो ये अपने आप को फिट महसूस करने लगे। अब इनको मन किया कि भी मैं खुद चलूंगा, ठीक है। ये सच्चाई है तो आज मतलब देखकर अचंभा जरूर होता है कि कुछ ना कुछ आयुर्वेद के अंदर है कुछ ऐसा जो कि बहुत बड़ा इसमें दम दिखाया जा सकता है, ठीक है। दवा देखी है आपकी? हाँ, कहा सही है। देखिए दवा देखी है, उन्होंने कहा है सही है, जिन्होंने भी इनकी दवाई मेरे यहाँ से देखी बोला दवाई सही है, ठीक है। देखो मैंने एक और बोला था कि देसी गाय के बारे में आप सीधा सीधा गाय से के बारे में बहुत लोगों ने कहा इसके लिए। देखो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सच्चाई बता रहा हूं मैं, जो मौत सामने खड़ा था, जीवन लगा था समाप्त है, आज आपके सामने वो शख्स बैठ के वीडियो बना रहा। इतनी बड़ी सच्चाई को छुपाओगे कब तक आप लोग? पर कब तक इस वीडियो को मना करोगे आप कि झूठी है? मैं भी ये देखना चाहता हूं जी, मैं भी हर भी आपके सामने, क्योंकि ज्यादा भीड़ होती वीडियो नहीं बनती है, जब थोड़ा समय मिलता तो मैं बना लेता हूं, नहीं तो रोज की 10 वीडियो बने रोज, जब भीड़ होती है। आपने देखा पिछली बार बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी ना, ठीक है। आप भी अभी मेरे पास आए हो, आपको 20 दिन हुए, ठीक है। आपके पेशेंट का नाम क्या है? विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार, क्या लगते हैं आपके? मेरे मामा जी हैं। आपके मामा जी हैं, आप भी वीडियो देख के आए थे? हाँ जी, वो मेरी मामी देखी थी वीडियो, तो उन्होंने लेकर आया। आपकी मामी ने वीडियो देखा, क्या दिक्कत था पेशेंट को आपको? सर गले में कैंसर, डॉक्टर ने बताया। ठीक है, आपने भी तो 6 कीमो लगवा दी थी? हाँ जी, बिल्कुल हालत खराब था उनका, चल भी नहीं पा रहे थे, उनकी हाथ गल गई थी बिल्कुल, ठीक है। अभी आपके फोटो में दिखाऊंगा, इनकी फोटो मेरे को दिखाया उन्होंने, हाथ पूरा गल गया था, चेहरा बिल्कुल अजीब सा था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। शरीर में भी पूरा उसका इन्फेक्शन, पूरा दाढ़ी उड़ी सारा खत्म था, मतलब इनकी मुंह के अंदर देखे मेरे गांठ गांठ थी, वो तो खत्म ही होगी बिल्कुल, ठीक। आपका भी 20 दिन हुए सर? हाँ जी, 20 दिन के अंदर इनकी स्किन पहचान नहीं पाओगे, स्किन बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ जी, हाँ जी, स्किन तो बहुत ठीक हो गई सर, स्किन तो अब तो आप भी नहीं पहचान रहे होगे। कितनी स्पीड में हुई थी सर स्किन, एक बार बताओ कि कितने दिन फर्क लगने लगा था आपको? वो तो मामी बता रही थी कि 10 दिन में लगभग ठीक होने लग गया था, क्योंकि मैं यहाँ सोनीपत से आया हूँ, वो तो बिहार में है। वो तो बिहार में है, आप तो सोनीपत में हो, दवाइयाँ आप भेज रहे हो उनको यहाँ से, ठीक है। आपने उनको दिखा होगा, वीडियो कॉल तो की होगी सर, पहले भी बात की होगी अपने मामा से। आपको लगा था सर कि यहाँ पर दवाई लेने आ रहे हैं ठीक हो जाएंगे? मेरे को तो नहीं लगा था, बट मामी का जिद था कि नहीं एक बार वहाँ दिखा लेते। यहाँ आने के बाद तो आपको नहीं लगा होगा, आपको लगा होगा? लगा कि हाँ, मतलब हो जाए। देखा आपने हॉस्पिटल दिख रहा आपको? एक मजाक सा नहीं लगता कि कुछ ना कुछ लगता है कि फ्रॉड हो रहा है? फर्स्ट टाइम लगता है ना कि कैसे माने कि सच्चाई कैसे है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, वहां से कुछ नहीं हो रहा है और यहाँ पर आके। कहीं गली में बोर्ड भी देखा आपने कैंसर का? नहीं देखा सर, कहीं नहीं देखा। पूछना पड़ा सर कि कहाँ पर है, कहाँ बैठे हैं? 3 महीने सर हम इतने बड़े बड़े अस्पताल देखे कि पूछो ही मत सर। बड़े बड़े अस्पताल देख लिए, 3 लाख रुपए लगा दिया, ठीक। आपने कितने लगा दिए थे मामा जी पर? उनपे तो 5-6 लाख के ऊपर खर्च हो गया। 6 लाख इन्होंने भी लगा दिया और आपको लगा था कि अब वो भी बचना मुश्किल है? बचना मुश्किल नहीं था सर, बचना मुश्किल था। और अब क्या लगता है 20 दिन में आपको? बहुत तो लग रहा है कि मतलब ठीक हो जाए। अब लगता है कि वो बचना मुश्किल है? अब नहीं लगता कि वाकई में कैंसर का कुछ आपके साथ धोखा हुआ है? जी जी बिल्कुल लगता है सर। लगता है ना, कैंसर के नाम से सही मायने में लगता है कि कहीं ना कहीं लोग धोखा कर रहे हैं, सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से दिक्कत हुई? सर वो बिल्कुल ठीक थे, जब से कीमो चढ़ाने लग गए ना
तब से उनकी हालत खराब हो गई सर। आई समझ में बातें, मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा कि आप मना करते हो, मैं नहीं मना करता हूं, मेरे को फोन करके पूछना कीमो चल रही है आपकी दवाई चलाएं क्या, मना कर देता हूं पूरी चलवा लो। मैंने तो एक हर वीडियो में पीछे भी बताया, मैं तो कहता हूं कि हमारे पास आने से पहले ना लकड़ी गिरवा लो शमशान घाट में, क्यों, क्योंकि अफसोस ना हो। देखो बुरा मत मानना कि बोले कैसी बात करते वीडियो में, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास तो लास्ट में आना, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में, ताकि आपके रिश्तेदार आपके पड़ोसी या आपके पढ़े लिखे घर में शख्स जो है जो इंटेलिजेंट है वो ये ना बोले कि आयुर्वेद में जाकर आपने फंस गए, ठीक है। जब सारे रास्ते बंद हो तभी आना, बीच वाला बंदा भी मत आना, जिनको लगता नहीं कि अभी कीमो बच रही है 5-7 वो भी लगवा लेना। मेरे पास आने से पहले तो मैंने एक ही बात कहा, मैं नहीं कह रहा कि कैंसर मैं ठीक कर दूंगा, मैंने ली थी गारंटी, आपकी ली थी गारंटी नहीं ली थी, मैंने गारंटी नहीं बोला वीडियो के अंदर। कहते हैं जी कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, कितने दिन आपकी दवाई खानी पड़ेगी, मेरे को नहीं पता, मैं तो 20 दिन के बाद पूछूंगा कि मेरी दवाई से आराम मिला तो आगे चला लो, नहीं मिला तो चाहे कहीं चले जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको एक सच्चाई वीडियो के माध्यम से रखी है, अब बताओ सच्चाई में क्या है, कौन सी वीडियो झूठ है, कितनी वीडियो झूठ है, कहां कहां से, आपका चेहरा भी तो जानते होंगे कहां पर, आपने बताया सोनीपत ना जी, आपसे तो मिल सकते हैं सोनीपत में, कहां पर प्रॉपर अगर पूछा जाए तो सोनीपत सिटी में ही, सिटी में ही आपको आपका चेहरा देख के तो मिल सकते हैं ना जी, ठीक, आपका चेहरा देख के आपसे मिल सकते हैं, तो फिर ये चेहरा झूठा है क्या? इतनी वीडियो आपने सामने इसीलिए डाली है कि मेरे पास तो कैंसर की दवाई नहीं है, तो फिर ठीक कैसे हो रहे हैं? आयुर्वेद, सिंपल आयुर्वेद, जड़ी बूटी और आयुर्वेद, गौमूत्र से बनाई हुई दवाइयां इतनी इफेक्टिव है, तो फिर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतनी बड़ी बड़ी दवाइयां, इतनी 6-6 लाख रुपया, और आपने बताया कि 3 लाख आपने लगाया, 6 लाख इन्होंने लगाया, तो ये लाख रुपया कहां गए जो मौत ही देखनी पड़ रही है? बुरा लगेगा सबको लेकिन सच्चाई में तो है ना, सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। मैंने कितने पैसे ले लिए सर आपसे? सर 10,000 रुपए लगा था पिछले, अभी तो दवाइयां बच भी रही है, आधी से ज्यादा दवाई तो बच रही है आपके पास, ठीक है। 20 दिन में तो मैंने बुलाया जी। कि कुछ दवाइयां देने के बाद बच रही है, आधी से ज्यादा दवाइयां बच रही है, तो कितना ले लिया 10,000 में मैंने, 6 लाख रुपया आपको उनसे लिया, क्या मिला आपको 6 लाख लगा के? कुछ नहीं मिला सर, मौत दिख रही थी सामने, बिल्कुल अब दिख रही जिंदगी जी, यही सच्चाई है। और मैं एक ही बात कहता हूं कि कैंसर से मत डरो, अब लगता है कि आपको डर कोई, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि मत डरो। मेरे को डॉक्टर ने कहा था तू नहीं बचेगा, 1.5 महीने बाद मर जाएगा, मैं तो नहीं मरा, ठीक है। आप उसके बाद आपके सामने सारे पेशेंट अपने रख दिए हैं, अब लगेगा कि वाकई में आयुर्वेद के अंदर ही जाना है और सही आयुर्वेद चुनना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो डाली जाती है यूट्यूब पर, लेकिन वीडियो पर विश्वास कैसे करें? चैनल वाले, कई चैनल वाले हैं ना, वीडियो डलवा देते हैं, लो जी पैसे देकर चैनल बना दें, हमने नहीं डाला, हम तो एक सच्चाई आपके सामने रखेंगे। अब हर क्षण हर वीडियो डलेगी आपके सामने, कितनी वीडियो सच है कितनी झूठ है, अब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हम कहते हैं यहां आए और यहां आपको पेशेंट मिल जाएंगे, ठीक है। इनसे मिलना चाहते हो तो इनका चेहरा है, इनका मैंने एड्रेस दे दिया, मोबाइल नंबर नहीं दूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मोबाइल आपको परेशान करेंगे लोग जी, क्लियर है ना, नंबर नहीं दूंगा और ना ही कमेंट सेक्शन खोलूंगा, क्योंकि कई लोग हैं देखो गुस्सा बहुत आता है अपने को, मन में आओ बोल देता है, हम गए थे हम ठीक नहीं, हमने कब बोला ठीक कर देंगे, हम तो नहीं बोल रहे आपको, क्लियर बोलूंगा, मेरे पास मत आना, मैं तो कहता हूं आगे कैंसर ना हो उस पर काम कर रहा हूं, मैं नहीं कर आपको ठीक कर दूंगा, मैं कह आपको ना हो ठीक इस पर कर रहा हूं, अगला पेशेंट कैंसर का ना बने, पेशेंट ठीक हो रहे वो ये बता रहे, 20 दिन में फर्क मिला वो ये बता रहे, मैं नहीं कह रहा कि मैंने ठीक किया, ठीक है। अब तो एक सच्चाई है जो आप लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको लगा था कि मामी ने फैसला गलत ले लिया जी। लगा था ना, अब तो नहीं है ना, यहाँ आने के बाद लगा कि सर सही है, फिर पेशेंट देख ले तब लगा, अगर पेशेंट नहीं होते तो लगता ना गलत है जी, बिल्कुल यही यही बात है, ठीक है जी, ठीक है भाई साहब, नमस्कार।